विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी इस बार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हमारे साथ जो एक नेता है पंजाब के, जिन्होंने पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब के हम जो मुख्य प्रधान के दावेदार थे चंद्र सिंह चिन्नी उनको हरा कर विधानसभा में हम आए थे, उनसे बात करनी पूछिए। सर, जिस तरह से आप एक सामान्य सामान्य मानव से बैठे गरीब वर्ग के बाद वहाँ से आप राजनीति में आए, कैसा लग रहा है? 2013 में जब हम आम आदमी पार्टी से जुड़े, जैसे विपिन भाई जी 2013 से जुड़े, तो एक सोच थी कि जो जंतर मंतर से जो आवाज़ उठी है वो भारत की राजनीति को बदले, और पंजाब में भी हमने बड़ा जो बुरा दौर देखा राजनीति का, हमारे लोगों की जो समस्याएं थी वो पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने सही नहीं की, तो हम सोचते थे कि पंजाब में भी अच्छी पार्टी अभी चलिए, तो हम 2013 से जुड़े, 13-14 का इलेक्शन हुआ, 17 को हुआ, 19 को हुआ, और इस बार विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, तो मैंने लोगों से घर घर जाकर विनती की कि देखिए कि मैं आप ही के बीच में से हूँ, मुझे पता है कि हमारे लोगों की समस्याएं क्या है, तो उसके लिए उनसे विनती की वोट। तो जैसे आपने बोला कि मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे चरणजीत सिंह चन्नी, असल में मैंने नहीं हराया, हमें मेरे लोगों ने हरा दिया जिनसे मैंने विनती की कि आप मेरा साथ दो। तो ऐसा है कि अभी लोगों के लिए काम करें, मेरी जो विधानसभा है उनके लोग हैं, उनकी समस्याओं के लिए काम करें, पंजाब सरकार 8 महीने में बड़ी अच्छे तरीके से कार्य करें। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी जब तक गुजरात आते हैं तो बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के सामान्य तरीके का, आपकी बात करते हैं कि मोबाइल शॉपिंग में काम करने वाला बच्चा ने आपको सीएम बना दिया है, कितनी ताकत आती है, आपको इतना हौसला कब आया? जब अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया पर जो लिख कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी भदौर से हार गए, तो मतलब उस चीज से मेरा हौसला है वो मतलब 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि जो हमारे सबसे जो जिनको देखकर हम राजनीति में आए, जब वही शख्स ये लिख कर दे रहा है मीडिया के सामने कि भदौर से चरणजीत सिंह चन्नी हारा है, तो मुझे तो डर रहा ही नहीं। तो जी अरविंद केजरीवाल जी का मेरे सर पर हाथ की वजह से मैं पहुंचाऊँ और मेरे लोगों के साथ की वजह से। पहले मोबाइल सॉफ्टवेयर से काम कर रहे थे, आपको राजनीति में आने के लिए क्यों राजनीति आना चाहिए, आपके सामने मोबाइल की सॉफ्टवेयर काम कर रहे थे, राजनीति में आने का कुछ कारण तो यही था कि हम देख रहे थे जैसे सरकारी नौकरियां, हमने भी बहुत सारे पुलिस की नौकरी के लिए ट्रायल दिया, तो जो लोकल गवर्नेंस की नौकरी होती है उनके लिए ट्रायल दिया, लेकिन वहाँ क्या था कि जब तक हमारी जेब में पैसा रही तो हमें वहाँ नौकरियाँ नहीं लगती, ऐसा यहाँ तो एक ही चीज़ सोच कर आई थी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो युवकों को रोजगार होगा और हमारे लिए 25-30 हज़ार का भी रोजगार हो जाएगा, इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी का झंडा उठाया, तो पार्टी के लिए काम किया। 17 में सिर्फ महज 20 सीट आई, फिर भी हम काम करते गए, और 2022 में मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया और मुझे मेरी पीठ थपथपाई के लाल सिंह लोगों के लिए काम करो, लोगों की आवाज़ बुलंद करो, तो मुझे मतलब 8 साल में मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री साहब को मिला तो मुझे विश्वास हुआ कि अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे तो मेहनत का फल आम आदमी पार्टी देती है। और ऐसा ही बटवा विधानसभा से विपिन भाई पटेल अभी जो उम्मीदवार हैं, जब 2014 में अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये इंसान अपना 25,000 का स्कूटर बेचकर 2.5 महीने हम अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया, तो इन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया, मेरे लिए भी वैसा ही था कि मैं काम घर से निकल कर आया, झंडा बुलंद किया आम आदमी पार्टी का, घर घर जाकर प्रचार किया 14 में 17 में 19 में और 22 में, तो राजनीति में आने के ये सोच नहीं थी कि मैं विधायक बन जाऊँगा, यही से एक सोच थी अगर सरकार अच्छी होगी तो मेरा परिवार यही रहता है, मैं यही रहता हूँ, व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो उसमें हमारा भी थोड़ा अच्छा होगा। आप जब पंजाब के मोबाइल शॉप में काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को पहले से पसंद करते थे या फिर कोई पहले कोई और पार्टी थी कुछ? मेरे परिवार का भी कोई किसी पार्टी से लेना देना, मतलब मेरे पिताजी, मेरे मतलब दादाजी, मेरा कोई भाई बंधु, दूर दूर का रिश्तेदार है वो भी किसी पार्टी में नहीं था। 2012 में जब आंदोलन चल रहा था और पार्टी बनी तो 13 में आगाज हुआ, 2013 के आखिरी महीने में पंजाब में आगाज किया और 28 या 24 फरवरी को मुख्यमंत्री जो भी हमारे सरदार भगवंत मान जी है वो उन्हें MP का टिकट मिला था 2014 में,
तो हमारे वो मतलब वहाँ के जो मनोरंजन का जो साधन होता है उसमें बड़ा चेहरा थे, बड़े कलाकार थे, तो हम तो वैसे ही पसंद करते थे उन्हें, भगवंत मान जी को, और ऊपर से हमारे उम्मीदवार भी वही बन गए। तो हमने तो 2014 से ही इतना जोरदार तरीके से प्रचार किया कि हमारी विधानसभा से मुख्यमंत्री जो भी भगवंत मान जी उसमें लोकसभा के MP थे, सबसे ज़्यादा वोट हमारी विधानसभा से झाड़ू को मिले। जीवन में कितना परिवर्तन है, पहले एक सामान्य दुकान से सामान्य आदमी सेवा देने का कहने लगे, आप अपने जो अपने रिश्तेदार वहाँ से सिखाए देकर आप विधानसभा में जाते, कितना परिवर्तन आया आपके जीवन में? परिवर्तन सिर्फ इतना है, मेरे माँ बाप ने मुझे एक चीज बताई है कि जमीन से जुड़कर रहोगे, अपने लोगों से जुड़कर रहोगे तो वृक्ष बन जाओगे, अगर माटी से अपनी जड़ों को निकाल दोगे तो एक दिन सूख जाओगे, ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है। परिवर्तन सिर्फ इतना है कि अभी मेरे ऊपर मेरी विधानसभा के 74 गांव हैं और 2 छोटे शहर, उनकी जिम्मेवारी पहले मेरा एक परिवार था, अभी मेरी विधानसभा के जितने लोग हैं, जितने परिवार हैं वो मेरा परिवार है, अभी उनकी जिम्मेवारी वो मेरे कंधों पर है। इसलिए परिवर्तन मुझे ये नहीं लगता कि मैं नेता बन गया, मैं लीडर बन गया, अभी भी मैं वैसे ही विचरते हैं, हम लोगों के बीच में वैसे ही जाते हैं सामान्य रूप से, जैसे वोटों इलेक्शन से पहले लोग मुझे कहते हैं कि जब कोई नेता बन जाता है तो वो हाथ जोड़ना, लेकिन हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, उनके पांव पड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि मैं इनकी वजह से ही हूँ यहाँ पर। तो जब तक हूँ अपने अपनी विधानसभा के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के हल के लिए कार्य करते रहेंगे, ये मेरे माँ बाप ने सिखाया है। और ये आम आदमी पार्टी का जो उद्देश्य अभी है कि लोगों ने हमें इतनी बड़ी बड़ा माइंडेट दिया, तो अभी जितना बड़ा माइंडेट है तो जिम्मेवारी भी बढ़ी है, उनकी समस्या के लिए काम करते हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, अपनी सरकार से बोलते हैं कि हमारे लोगों की ये समस्या है, उनके लिए उनके हल के लिए हम फंडों पर सुविधाएँ अच्छी हो जाएँ। 8 महीने में बड़े अच्छे काम करते हैं, 8 महीने में, मात्र 8 महीने में मुख्यमंत्री साहब ने 21,000 युवकों को सरकारी नौकरियां दे दी। मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, पहले 117 खोले, अब 15 अगस्त को और 26 जनवरी जो आने वाली है इसमें 500 नए मोहल्ला क्लिनिक खुलने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री साहब ने और सरकार ने ये जो कैबिनेट ने जो मत पास कर दिया कि अगर कोई पंजाब का युवक फौज का में शहादत प्राप्त कर देगा, पंजाब पुलिस में कर जाए, तो मात्र 12 घंटे में मुख्यमंत्री साहब खुद 1 करोड़ रुपये का चेक लेकर धनराशि उसके घर में पहुँचते हैं। और 18 साल से पंजाब के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी एक बड़ी समस्या थी, 18 साल से वो लटक रही थी, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, मुख्यमंत्री साहब ने कैबिनेट विभाग का दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा जो मुलाजिम वर्ग को दिया कि 18 साल से उनका लट रहा मसला पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया और 6% इंक्रीज भी कर दिया। आखिरी सवाल, गुजरात में 27 साल से एक तस्वीर शासन है, इस बार क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? जो गुजरात मॉडल दिखाया जाता है पूरे भारत को, हमने वो देखा गांव गांव में घूमकर, बिल्कुल गुजरात मॉडल ही, वो एक मॉडल है, एक पक्की सड़क एक गांव में मिल जाए आपको तो बड़ी बात है। गुजरात की जनता मन बना चुकी है इस बार झाड़ू का बटन दबाने का, झाड़ू की सरकार, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पंजाब की तरह ही है, समस्याएं सेम है, वह यही है कि हमारे कांग्रेस अकाली दल था, यहाँ भाजपा बड़े लंबे समय से वो शासन कर रही है, तो वैसे भी लोग उठ जाते हैं, इतने बड़ी समझो वही है कि दाल सब्जी खा रहे हैं, तो भाजपा गुजरात के लोग परिवर्तन के लिए, झाड़ू का साथ देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, गुजरात बदलाव के लिए तैयार है, अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए गुजरात इस बार आम आदमी पार्टी का बड़े जोरदार तरीके से साथ देने जा रहा है। सामान्य कार्यकर्ता से विधायक तक बनने के लिए उनकी कितनी कोशिश है, खास करके अभी के दिन जब गुजरात आते तब उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी कैसी सरकार की सरकार है, तो जो छोटे छोटे लोग हैं उनको तो एक अच्छी सुविधा और सारे अच्छी आरोग्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, साथ ही साथ दावा कर रहे हैं कि गुजरात में इस बार परिवर्तन हो भी रहेगा, क्योंकि गुजरात की बड़े गाँव है उनमें भी समस्याओं के बहुत सारे हालत खराब है। राहुल त्रिवेदी, पीटी भारत, अहमदाबाद। सतत 24 कलाक समाचार जो आमाटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत ने।